ओके गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि हम विंडोज एट पीसी के पासवर्ड भूल गए हैं तो विंडोज एट पीसी को बिना पासवर्ड के ओपन कैसे किया जाए। सभी के पीसी में इम्पोर्टेंट डेटा डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको कोई खोना नहीं चाहता, तो विंडोज एट पीसी को बिना पासवर्ड के ओपन कैसे किया जाए, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बूटेबल पेन ड्राइव या बूटेबल सीडी डीवीडी डिस्क चाहिए जिसको अपने पीसी में इंसर्ट करना है और बूट मेन्यू में जाके सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्किप करके बूट मेन्यू तक जाता हूं। तो गाइज यहां पे हमारा बूटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। यहां पे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहां पे हम रिपेयर योर कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करेंगे जिससे हमारी CMD फाइल ओपन हो जाएगी। गाइज यहाँ पे हमें कमांड टाइप करना है D:, और एंटर प्रेस करना है। तो गाइज यहाँ पे मैंने D:, इसीलिए टाइप किया है क्योंकि मेरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डी ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है। आप यहाँ पे यह कंफर्म करके टाइप करें आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे हमें कमांड टाइप करना है CD स्पेस विंडोज, एंटर प्रेस करना है। यहां पे हमारा अगला कमांड होगा CD स्पेस System32, एंटर प्रेस करेंगे। तो गाइज यहां पे हमारा अगला कमांड होगा रीनेम स्पेस utilman.exe स्पेस utilman1.exe, एंटर प्रेस करेंगे। तो गाइज यहां पे हमारा अगला कमांड होगा कॉपी स्पेस cmd.exe स्पेस utilman.exe, एंटर प्रेस करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो यहां पे एक फाइल कॉपी हो गई है। यहां पे हमें CMD फाइल को क्लोज करना है और यहां पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है जिससे हमारा पीसी रिस्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हो यहां पे हम विंडोज 8 की लॉगिन स्क्रीन पर आ गए हैं। यहां पे हमें इजी ऑफ एक्सेस पर क्लिक करना है जिससे हमारी CMD फाइल ओपन होगी। तो गाइज यहां पे हमारा कमांड होगा नेट यूजर, एंटर प्रेस करेंगे। तो गाइज यहां पे आप देख सकते हो मेरे पीसी में जितने भी अकाउंट बने हुए थे उनकी सभी की लिस्ट यहां पे आ गई है। तो यहां पे मुझे जागीर पीसी अकाउंट के पासवर्ड रिसेट करनी है, इसके लिए मैं कमांड टाइप करूंगा नेट यूजर स्पेस जागीर पीसी स्पेस, जो भी नए पासवर्ड रखने हैं वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 123, एंटर प्रेस करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे द कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया है। अब CMD फाइल को क्लोज करेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड लगाएंगे 123 और एंटर प्रेस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पीसी ओपन हो गया है। तो गाइज आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।